वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को ऐसे समय में बजट पेश करेंगी जब वर्ल्ड इकोनॉमी स्लोडाउन का सामना कर रही है और इन्फ्लेशन रेट हाई लेवल पर है। इस बीच बिजनेस टुडे बैंकिंग एंड इकोनॉमिक समिट में भारत के कुछ टॉप इकोनॉमिस्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था और महंगाई दर पर अपने विचार साझा किए। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनवीस ने कहा कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है। हम कोविड और लॉकडाउन के बाद करीब 7% की स्थिर विकास दर पर वापस आ गए हैं। 2023-24 के लिए हम 6 से 6.5% की वृद्धि दर की सोच रखते हैं। 60 से 8% की ग्रोथ हासिल करने में भारत को 2-3 साल और लगेंगे। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी ने सबनवीस के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि विकास का एक कारण ये है कि कोविड किसी तरह की परेशानी खड़ी नहीं कर रहा, इसलिए सर्विसेज और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जैसे सेगमेंट मजबूत ग्रोथ दिखा रहे हैं। निजी खपत और निवेश से कुछ रीबैलेंसिंग ग्रोथ भी हो सकती है, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। एक्सिस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्वागत भट्टाचार्य ने कहा कि सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बड़ा जोखिम किसी बाहरी सेक्टर से मंदी की वजह से आ सकता है। वैश्विक मंदी वर्तमान में बड़ा मुद्दा है। कुल मिलाकर तीनों जानकारों ने भारत के विकास की बात तो समझाई, लेकिन साथ ही वैश्विक मंदी से आगाह भी किया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।